नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आरओ के पेपर को लेकर के आपके सामने श्री सी को उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, सबसे पहले स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पर मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं अखिलेश सर। ठीक है, आज हम हिंदी के आरओ के पेपर में, आरओ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरओ सचिवालय फुल पेपर सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। 22 नवंबर 2020 आज का पेपर है, यह 22 नवंबर 2020 आज का पेपर है। मित्रों, ये श्री सी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, और श्री सी में आप जान रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के रहे हैं पार्ट ए में, जबकि आपके सामने पार्ट बी 50 अंक हिंदी हैं। तो मित्रों, हिंदी इतना महत्वपूर्ण है जितना आप सोच लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है हिंदी, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत लोग हल्के में लेते हैं। देखें, इसको हल्के में नहीं लेना है। हिंदी के प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बेहद मुकाम तक पहुंचा देंगे। मित्रों, तो आइए हम बात करते हैं आज के अपने इस आरओ सचिवालय पेपर के फुल सॉल्यूशन पर आते हैं। हिंदी का पेपर है मित्रों, आप सभी लोगों को मैं पूरा पूरा सॉल्यूशन देता हूं और विधिवत सॉल्यूशन देता हूं। मित्रों, आइए चलते हैं आज के अपने इस फुल एनालिसिस की तरफ। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैं, आप जान रहे होंगे कि यह सीरीज कौन सी है, तो सीरीज सी के प्रश्न है मित्रों। ठीक है, सीरीज सी के प्रश्न है। देखें, जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। देखें, जो जाकर के वापस आ गया हो, जो गया और क्या किया, आ गया, उसे क्या कहते हैं, पुनरोक्ति कहते हैं, पूर्वोक्त कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं या प्रवासी कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यागत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यागत कहते हैं। बाकी बिंदुओं पर यदि आपको जानना होगा मित्रों, तो मैं पूरा 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 इसका फुल सॉल्यूशन आपके आगे मांग पर पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। इससे पहले मैं यही चाहता हूं कि फटाफट आप प्रश्नों के उत्तर जान लीजिए, क्योंकि अभी अभी यह पेपर हुआ है, तुरंत का तुरंत पेपर हुआ है, और इसके फुल सॉल्यूशन को अब जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाला, देखिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वर्गलोकी, स्वर्गलोकी मुमोक्षु। क्या है मित्रों, मुमोक्षु शब्द है। क्या है मित्रों, मुमोक्षु शब्द है। क्या है मित्रों, मुमोक्षु शब्द है। ठीक है, क्या है, मुमोक्षु, देवलोक, परलोकी। तो आप जानते हैं कि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, मुमोक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, मुमोक्षु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। यह अनेकार्थी से पूछा गया प्रश्न है, जो आपको वीडियो में मैंने बताया है कि मित्र का पर्यायवाची मित्र का अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीन ऐसे होंगे जो मित्र के पर्यायवाची होंगे। तो मित्र का सखा भी होता है, सूर्य भी होता है, दोस्त भी होता है, तो मित्र का कौन सा नहीं होता है, बादल। क्या है, यह मित्र का अर्थ नहीं दे रहा है, जो बादल शब्द है वह मित्र का अर्थ नहीं दे रहा है। तो सही कौन सा होगा, बादल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। कुशल का पूछा है कि इनमें से कुशल शब्द का कौन समानार्थी नहीं है, तो देखें, चतुर, बिल्कुल चतुर होता है, निपुण भी होता है, चालाक शब्द नहीं होता है, चालाक शब्द नहीं होता है, प्रवीण भी होता है। ठीक है, इनमें से कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है, समान अर्थ रखने वाला कौन नहीं है मित्रों, चालाक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, हो गया अगला। ठीक, देखें, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसको प्राप्त करना क्या हो, बहुत कठिन हो, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, चाहे जिसका प्राप्त करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दुष्प्राप्य कहते हैं कि दुर्लभ कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उसको क्या कहा जाता है मित्रों, दुर्लभ कहा जाता है। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। अगर दुष्कर की बात करते हैं, जिसको करना कठिन हो, क्या होता है, दुष्कर होता है। ठीक है, दुर्लभ्य, जिसको लाघना कठिन हो, दुर्लभ्य होता है जिसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां आगे देखें कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जब कम बरसात होती है, जब बरसात क्या हो, कम बरसात के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि, तो क्या होता है, अति का अर्थ भी ज्यादा होता है। ठीक है, अल्पवृष्टि क्या होता है मित्रों, अल्पवृष्टि होता है। जब कम बरसात होती है, देख रहे हैं कि बहुत कम बरसात हो रही है, क्या है, बहुत कम बरसात है, तो क्या होगा हमारा, अल्पवृष्टि होगा। आगे देखते हैं कि रास्ते में खाने के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कि रास्ते में खाने के लिए भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यह, बहुत पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है कि रास्ते में खाने वाली भोजन सामग्री को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथेय बोलते हैं। क्या कहा जाता है, पाथेय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस संसार से संबंध, इस संसार से संबंध, जो इस संसार से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, भौतिक है, ऐहिक है, सांसारिक है, अलौकिक है, तो क्या होता है मित्रों, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? आपने बिल्कुल पढ़ा है मित्रों, गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गंगोत्री कहलाता है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों पर फुल एनालिसिस चाहिए, एक एक विकल्प का आपको विस्तृत चाहिए, तो पूरा का पूरा आप कमेंट कर देंगे, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर को मिला लेते हैं कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं, हिंदी कितना महत्वपूर्ण है, हिंदी को लेकर के हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताते हैं करना क्या है, कैसे चलना है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात क्या हो, किसी के द्वारा सुनी गई हो, लोगों के द्वारा सुनी गई हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? लोकोक्ति कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जन मतलब लोग, श्रुति मतलब सुना गया, तो लोगों के द्वारा सुना गया, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? जनश्रुति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखें, तत्सम तद्भव बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसी परीक्षा ना हो जहां आए ही ना। तो तद्भव तत्सम को आप एक बार पढ़ के तो देखिए, कभी गलत हो जाए तो फिर हमको बताइए कि सच है, पत्ता है, घोटक है, अनजान है। आपको बताना है कि इसमें क्या पूछा है, तत्सम शब्द पूछा है, तो क्या होता है? घोटक। घोटक का तद्भव क्या होता है? आप जानते हैं घोटक का क्या होता है? घोड़ा होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने ताड़नजात चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कहां किया जाता है मित्रों? तो उनका प्रयोग किया जाता है किसमें? तद्भव शब्द में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। हिरण का तत्सम रूप है, हिरण का तत्सम रूप क्या है? हिरण, यहां क्या दिया है? हिरण दिया है। हिरण का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, तो क्या होता है मित्रों? हरिण होता है। क्या होता है? हरिण होता है। क्या होता है? हरिण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से तद्भव पूछा है, इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछ लिया है, तद्भव। इसके बारे में मैंने बताया था कि तत्सम में प्रयोग होता है, ये रेफर का प्रयोग हुआ है, इसको भी मैंने बताया था तत्सम में होता है। कूप है, ये भी तत्सम शब्द है। खीर होगा, इसका क्या होता है? शीर होता है। क्या होता है मित्रों? खीर का शीर होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला देखें। निम्नलिखित में से क्षार, निम्नलिखित में से क्षार का क्या पूछा? तद्भव रूप पूछा। क्षार का क्या होता है? खार होता है। क्षार का खार, क्षार का खार, क्षार का खार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम, पुनः तत्सम, देखें तत्सम तद्भव कितना महत्वपूर्ण है आप जान सकते हैं प्रश्नों को देख करके। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम कौन सा है? आम्र है। आग का अग्नि होता है। चौदह का क्या होता है? चतुर्दश होता है। ठीक, फूल का पोप या पुष्प कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव पूछ दिया, क्या पूछ दिया? तद्भव। हिंदी शब्द पूछ दिया कि इनमें से तद्भव शब्द कौन है, तो हमारा तद्भव क्या है? ईट है, क्योंकि इसका क्या होता है? तत्सम, इष्टिका होता है। क्या होता है मित्रों? इष्टिका होता है। तो सही कौन सा होगा? ईट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनके जानना चाहें तो राजा का क्या होता है? आप जानते हैं कि राज्ञ होता है, पृथ्वी अपने आप में। ठीक है, तद्भव पूछा है। ठीक है, तद्भव पूछा है, तो ये तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया। ठीक, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पुनः तद्भव पूछा है, तो आप जानते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तद्भव में किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग मित्रों किसमें किया जाता है? तो अनुस्वार का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक, देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब पूछ दिया तत्सम क्या है? सात नहीं, कर्ण नहीं, हाथी नहीं। क्या होगा? क्या होगा तत्सम? पुस्तक है। क्या होगा? ये पुस्तक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा, पुस्तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किताब किस भाषा का शब्द है? ये हमारी वीडियो को आप देखें, मैंने बार बार बताया है, किताब को किताब है, कुर्सी है, किस्सा है, कनेक्शन, ये सब क्या है? किताब, कुर्सी, किस्सा, किताब, कुर्सी, किस्सा, मैंने बताया था। किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब पूछ दिया कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो फटाफट कमेंट करके आप बताते रहेंगे कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पूछा, संस्कृत पूछा है। क्या होता है? आंवला। यह किसका है? आंवला का है। किसका है मित्रों? आंवला का है। किसका है? आंवला का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मुकुल, मुकुल का अर्थ ही पहले आप जान ले कि क्या होता है? कली। अब यहां देखें कौन सा दे दिया? कलिका। क्या दे दिया? कलिका। कि मुकुल, कोरक, गुंचा आदि सब निम्न में से किसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं। किसके क्या हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची? देखें, ये बहुत चीज लोगों को दिखाई नहीं देती है,
कौन सा नहीं शब्द कि इसमें पूछ लिया कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है, दामिनी, चपला, तड़ित और क्या, छपा। तो हमारा क्या सही होगा, छपा। ये किसका पर्यायवाची होता है, तो रात का होता है। किसका पर्यायवाची होता है, रात का होता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, छपा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब पूछ लिया यहां चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है, मृगांक है। कौन है, मृगांक है, ठीक है। मृग अंक, जो आपने छाल देखा होगा मृग का, उस पर चंद्रमा जैसी छाप होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मृगांक भी कहते हैं, ठीक। नीलय का अर्थ घर होता है, मुरारी जानते हैं, ठीक। निशान का मतलब चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से नौकर शब्द दे दिया, नौकर का पर्यायवाची पूछ दिया, नौकर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्या होता है, भृत्य होता है। भृत्य मतलब सेवक होता है, अनुचर मतलब भी क्या होता है, ठीक है, अनुचर का अर्थ भी नौकर सेवक होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है, किरण का पूछ लिया, ये बताया गया प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची क्या होगा, फटाफट बताएं कि निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, मनोज नहीं, मनोज किसका होता है, तो अगर बात करते हैं तो ये कामदेव का होता है, ठीक है। अनल किसका होता है, आग का होता है। मरीची, अभी क्या हो जाएगा हमारा, मरीची शब्द होगा, क्या होगा मित्रों, मरीच सही है। मृगांक अभी अभी आपको किसका बताया गया, चंद्रमा शब्द का बताया गया, ठीक है। मरीच हमने किसका बताया, चंद्रमा शब्द का बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों, ठीक। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची अभी अभी हो चुका है, किरण शब्द का पर्यायवाची आपको क्या बताया गया, मरीच होता है। क्या होता है, मरीच शब्द होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से मां का पर्यायवाची शब्द है, क्या होता है, प्रसु, जन्मदात्री। प्रसु मतलब जन्म देने वाली, जन्मदात्री अर्थात क्या होगा मित्रों, प्रसु होगा, सुधि तो होगा, सुधि मतलब विद्वान भी होता है, मनीष मूर्धन्य में श्रेष्ठ जो होते हैं, मनुष्य में श्रेष्ठ होते हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ जो होते हैं, ठीक। कोविद का मतलब भी क्या होता है, विद्वान ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची क्या पूछा है, आंख का पर्यायवाची, अंबक, अतुल, अनोखा, कृषाणु। देखिए अनोखा तो अद्भुत होता है, जानते हैं, कृषाणु मतलब आग होता है, अतुल जिसकी तुलना न की जा सके, क्या होता है, अंबक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अंबक शब्द का प्रयोग किया जाता है आग के लिए, ठीक है, इसको भी जानते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, अब पूछ दिया आग का पर्यायवाची कौन है, अवलेख, अरणव, पावक। आप जानते हैं क्या है, पावक। इसमें उरक शब्द भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये किसका होता है, तो आप जानते रहिएगा, उरक सांप का होता है, किसका होता है, सांप का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से पंडित क्या है मित्रों, पंडित, निम्नलिखित में से पंडित का पर्यायवाची शब्द पूछ दिया, पंडित का पूछ दिया, अज्ञानी, अज्ञानी तो होगा ही नहीं, पर्यायवाची मतलब समानार्थी, पर्यायवाची का मतलब क्या है, समानार्थी पूछ रहा है, तो अज्ञानी तो होगा नहीं, विद्वान, विद्वान बिल्कुल, विदुषक, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची पंडित का, विद्वान होता है, पंडित का मतलब क्या होता है, विद्वान, या किसी जाति का विशेष शब्द नहीं है, पंडित का अर्थ क्या होता है मित्रों, विद्वान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द है, देखें कोयल, पिक, बिल्कुल सही है, पिक है, ठीक। काक कौवा होता है, उरक सांप का होता है, और सारंग, देखें ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर बात करें इसके लिए तो यह पूर्ण रूपेण सही है, ये कई का पर्यायवाची होता है, अनेकार्थी शब्द में आता है, यह भी कोयल का ही पर्यायवाची आता है, और पिक का अर्थ भी क्या है, कोयल है, लेकिन सही कौन सा होगा आपका, पिक ही होगा। पहली प्राथमिकता आपको किसको देनी होगी, पिक शब्द को देनी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि काका कृष्णा पिकअप, काकह कृष्णा पिकह कृष्णा को भेदयो पिका कयो वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। आपने इस श्लोक को जरूर पढ़ा होगा कि कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, ठीक है। तो पिक शब्द हमारा सही होगा, ठीक है, पहली प्राथमिकता हमें पिक को देना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें पढ़ें ध्यान से, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है, ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कि उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, ठीक है, उसने भगवान की मूर्ति, ये भगवान का दर्शन ही हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, दर्शन किया। यह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, यह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, यह कब घूमने जाता है, प्रातः काल के समय घूमने जाता है। यह किसके हस्ताक्षर हैं, यह
किसके हस्ताक्षर हैं? अध्यापक ने छात्र गणों को, ये छात्र गण रहता है, गणों नहीं होगा, गण शब्द अपने आप में खुद होता है, ठीक। यह प्रातः काल के समय, प्रातः काल खुद ब खुद समय का बोध करा रहा है, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। उसने भगवान की मूर्ति का, भगवान का दर्शन कर लिया, वही क्या हो गया, मूर्ति शब्द के लिए वो हो जाएगा, उसने भगवान का दर्शन किया, ठीक। यह किसके हस्ताक्षर है, क्या हो जाएगा, यह किसके हस्ताक्षर है, क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, यहां किसके शब्द क्या है, ठीक है, यह किसके हस्ताक्षर है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पधारकर अनुग्रहित करें, पधारकर क्या करें, अनुग्रहित करें, यहां अगर रहता सही करना है तो आप पधारकर अनुग्रहित करें, मैं आपके उज्जवल, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बिल्कुल सही है, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, क्या होगा मित्रों, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम है, पिताजी सदैव क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, पिताजी सदैव क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, व्यक्ति यौवन में भूले करता है, व्यक्ति युवावस्था में भूले भूल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से अब देखें, अशुद्ध का चयन करना है, किसका करना है, अशुद्ध का, गलत कौन सा है, इसी का चयन करना है मित्रों, बंदूक एक शस्त्र है, बिल्कुल सही है, शस्त्र मतलब साथ लेकर चलाने वाला क्या है, बिल्कुल यह भी सही है, लेकिन अशुद्ध पूछा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री थी, बिल्कुल सही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, नहीं क्या होगा, पहले कर्ता होगा वाक्य में, सबसे पहले क्या होगा, कर्ता होगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, दूसरा वाला सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, अब बताना है कि विकल्प में कौन सा क्या है, शुद्ध पूछ लिया है मित्रों कि शुद्ध कौन सा है, यह आंखों से देखी घटना, यह से का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहली चीज, यह आंखों देखी घटना है रहता तब क्या होता, सही हो जाता, ठीक है। आज मैं प्रातः काल, आज और प्रातः काल दोनों समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह भी सही नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यह घी की शुद्ध दुकान है, यह भी सही नहीं है, ठीक है, यह होगा कि यहां घी का, यहां शुद्ध घी मिलता है। एक्यता बिल्कुल सही है, एक्यता बिल्कुल क्या है, सही है, एक्यता से उन्नति होती है, एक्यता मतलब एकता से उन्नति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आदरणीय बहन जी कहां गई, आदरणीय बहन जी कहां गई, आप कहां पर रह रहे हैं, इसमें पूछा गया कि आप कहां पर रह रहे हैं। राम ने चार बात सुनाई, बिल्कुल चार बात सुनाई, ठीक है, बिल्कुल राम ने चार बात सुनाई, क्योंकि यह संख्यावाचक है, यह चार बहुवचन है, इसलिए बात ही होगा, ठीक है, राम ने चार बात सुनाई, लड़की है तो बुद्धिमती, बिल्कुल आपका सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है, अब बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, इसमें बताना है आपको कि शुद्ध कौन सा है। तो देखें, तमाम देश में यह बात फैल गई, बिल्कुल तमाम देश में शुद्ध का चयन करना है, तमाम देश में, ठीक है, प्रत्येक देश में, हर देश में, तमाम देश में ही होता है, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा था, कई कचहरी के वकील, बिल्कुल यह भी गलत है, मैं गर्म गाय का दूध पीता हूं, मैं गर्म, बिल्कुल यह भी गलत है, ठीक। तमाम देश में यह बात फैल गई, यह बात तमाम देश में फैल गई, हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कितने बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन हुआ है मित्रों, अगर आप एक बार आ जाएं, जुड़ जाएं, तो देखें ऐसे प्रश्नों की धज्जियां उड़ा के रख दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मित्रों आ जाएं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपसे अनुरोध, सानुरोध उचित प्रार्थना है कि, देखें सानुरोध उचित करने की जरूरत नहीं, चाहे अनुरोध हो गया वहां खुद ब खुद क्या हो गया, सानुरोध का मतलब ही हमारा क्या हो गया, उचित हो गया, ठीक है, सानुरोध का मतलब ही क्या हो गया हमारा, उचित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखें अगला देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या रहा, ठीक, देखें यह है हमारा प्रश्न, आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि आप हमारे पास अवश्य पधारे, पास शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, यहां भी पास शब्द का हो गया, यह भी नहीं होगा, आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि,
हमारे घर अवश्य पधारें। बिल्कुल सही, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, आपसे अनुरोध उचित प्रार्थना है कि आप हमारे घर, बिल्कुल ये गलत शब्द है। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल संबंधी, देखें क्या पूछा है, काल संबंधी, काल जानते हैं ना, काल संबंधी बताना है कि काल संबंधी शुद्ध वाक्य है। आज हम चाय नहीं पिए, आज हम चाय नहीं पिए, ठीक। आज हम खाना खा लिए हैं, आज हम खाना खा लिए हैं, तो हम क्या होगा, मैंने खाना खा लिया है या हमने खाना खा लिया है, ऐसे होना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। हमें दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है होना चाहिए। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया, तो शुद्ध वाक्य आज हम चाय नहीं पिए, आज हम चाय नहीं पिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखें अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी, क्या पूछा है यहां, उसके पहले काल संबंधी अशुद्धि पूछी गई थी, इस बार कारक संबंधी अशुद्धि पूछ ली गई कि कारक संबंधी अशुद्धि कौन है। पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, कारक संबंधी अशुद्धि पूछा, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, 4:10 है, ठीक। देखें ये दोनों संभाव्य हैं प्रश्न हमारे, यहां कारक संबंधी अगर हम बात करें तो ये हमारा दूरदर्शन से होगा, ठीक है, यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था, ठीक है, यही सही होगा, क्लियर है, यही सही होगा। लेकिन इस ऑप्शन पर आते हैं, यह भी थोड़ा सा है, दोनों में थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं संभाव्य के है, लेकिन सबसे अधिक यहां हमारी प्रबलता बनती है क्योंकि यह कारक संबंधी, इसमें क्या है, अशुद्धि भी मिल रही है, 4:10 तो यह कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए हमारा पूर्ण रूप से विचार है, मत है कहां होगा, आप भी यहां सोच सकते हैं, सी पर एक बार विचार दे सकते हैं। अब देखें अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आगे प्रश्न ले लिया गया, इसमें अशुद्ध बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट बताएं कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, या आप पर निर्भर है, या आप पर निर्भर है, आज बजट पर बहस होगी, अशुद्ध पूछा है, ध्यान रखेंगे, यह आप पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है, आज बजट पर बहस होगी, बिल्कुल सही है, राम ने सांप देखा है और क्या किया, भाग गया, पढ़ने में आलस्य करना, क्या होगा, आलस्य करना रहता तब जाकर के यह भी वाक्य शुद्ध हो जाता, मतलब हमारा गलत कौन सा है, यही है गलत, तो हमारा जो गलत होगा वही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, आजादी शब्द का विलोम, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, विलोम के तो बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए मित्रों, देखते रहे, पूछा है कि आजादी शब्द का सही विलोम बताएं, आजादी का क्या होता है, गुलामी होता है, आजादी का क्या होता है, गुलामी होता है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, ठीक, आजादी का क्या होगा, गुलामी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, अब पूछा कि नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, श्याम का सिद्ध बिल्कुल है, सृजन निर्माण करना, संहार नाश करना, यह भी सही है, संक्षेप का विस्तार होता है, मतलब हमारा सही क्या होगा, स्वजन का दुर्जन होगा, नहीं बिल्कुल यही हमारा क्या है, विलोम शब्द नहीं है, यही हमारा क्या है, विलोम शब्द नहीं है, यह क्या होता है, सज्जन का दुर्जन होता है, क्या होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, पहले यह जानते रहे, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल भी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल बोलते हैं, तो नैसर्गिक का विलोम पूछा है, नेचुरल का विलोम पूछ लिया, या प्राकृतिक का विलोम, अप्राकृतिक जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कृत्रिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया हमारा 93 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ क्या होगा, अल्पज्ञ का पूछ लिया, थोड़ा ज्ञान है, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ बहुत ज्ञानी, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इनको जानना होगा, ठीक, तो ये भी अभिज्ञ का क्या होगा,
अभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, अवज्ञ का ज्ञ होकर जानकार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्कार का क्या होगा, दुत्कार। सीधे से दिखाई दे रहा है सत्कार का विलोम क्या होता है मित्रों, दुत्कार। सत्कार का दुत्कार होता है, निंदा का प्रशंसा होता है, निर्लज का लज्जा होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मर्त्य क्या है, मत्स्य क्या है, मत्स्य। इसका क्या होता है, अमर होता है। क्या होता है मित्रों, अमर होता है, ठीक है। मत्स्य का विपरीतार्थक, ठीक है, मत्स्य मतलब मरना, तो अमर का क्या होगा, न मरना, तो मत्स्य का क्या विलोम होगा, अमर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द है, दुर्लभ। दुर्लभ का क्या होगा, सुलभ। दुर्लभ का क्या होगा, सुलभ होगा। दुर्लभ का क्या होगा, सुलभ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तृषा। तृषा का अर्थ प्यास होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तृप्ति। तृषा का क्या होगा, तृप्ति, प्यास बुझ गई तो तृप्ति हो गई, तो हमारा तृप्ति हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नैसर्गिक, अभी अभी आया था कहीं, देखें नैसर्गिक का क्या होता है, नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, कृत्रिम, अभी अभी बताया गया था। और जंगम का क्या होता है, स्थावर। तो देखें कहां दिया हुआ है, ये बी नंबर विकल्प है, बी फॉर बॉम्बे आप देख रहे हैं, ठीक है, बी फॉर बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों, सवां क्वेश्चन, तिमिर का विलोम शब्द बताना है। तिमिर का क्या होता है, तिमिर का प्रकाश होता है मित्रों। ये रहा हमारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, आपने 50 क्वेश्चनों की सीरीज को देखा जो बेहद आसान थे। इस प्रकार से मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदी के लिए इतना आसान बेहतरीन सब कुछ मिलने वाला है आपको, इसलिए हिंदी के साथ बने रहें, हिंदी को बेहतर बनाएं, बेहतर करें, बेहतर मुकाम तक पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी से हम जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान देश के रहने वाले हैं मित्रों, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, आज की ये सेशन है हमारे 50 क्वेश्चनों के, इस पर हमारी और आपकी पूरी की पूरी चर्चा हो चुकी है। अगर आपको फुल एनालिसिस चाहिए इस प्रश्नों की, तो मित्रों एक बार आप जरूर कहें और इसकी फुल एनालिसिस मैं आपको करा दूंगा। ये रहे प्रश्नों के सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।